सुपर डॉटर, सुपर स्टार, सुपर वाइफ, सुपर मॉम और अब सुपर गर्ल. इतने सारे सुपर जुड़े हैं काजोल के साथ. ये बताइए अभी सुपर गर्ल जो जुड़ा है उसके बारे में बताइए कि किस तरह से अब आप सुपर गर्ल बन गई हैं. मैं सुपर हूँ ही क्योंकि मैं औरत हूँ, तो आई एम अ सुपर औरत. आई एम सुपर बिकॉज आई एम एन औरत. सो आई एम अ सुपर वुमन एंड आई बिलीव दैट आई थिंक इलास्टिक गर्ल इज क्वाइट अ कूल कूल वुमन. बहुत मज़ा आया है करने में ये किरदार निभाने में. और आई थिंक जिस तरह से पिक्चर बनी भी है इसका इलास्टिक गर्ल का जो किरदार है, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग, इंक्लूडिंग काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, मैनेज एवरीथिंग एट होम ऑल्सो. सो शी इज़ रियली कूल बिकॉज शी डज़ मैनेज इट. और विलन को भी मतलब यू नो पकड़ती है, तो आई थिंक शी इज़ कूल बिकॉज शी मैनेजेज एवरीथिंग. तो जो इलास्टिक गर्ल है इसके किरदार से आप किस तरह से जुड़ी हैं, थोड़ा अगर दर्शकों को इलाबरेट करके बताइए. बिल्कुल. इलास्टिक गर्ल बेसिकली एक किरदार है इनक्रेडिबल्स 2 में और उसकी डबिंग की है मैंने, तो जो आवाज़ निकलेगी इलास्टिक गर्ल के मुंह में से वो मेरी आवाज़ होगी. और जैसे हम कहते हैं कि यू नो आई थिंक दैट जब आप पिक्चर देखने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि अरे इसमें क्या है, क्या है, क्या हम किसी को पहचान सकेंगे, तो शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी और आप मुझे पहचानेंगे वहाँ पे. तो इलास्टिक गर्ल के किरदार के बारे में अभी आपने थोड़ा सा बताया, आपने इनक्रेडिबल्स 1 तो ज़रूर देखी होगी, तो इस बार का जो हम प्रोमो देख रहे हैं उसमें हमने देखा है कि इलास्टिक गर्ल जो है वो बच्चों को घर पे छोड़ के जाती है मैनेज करने के लिए, अपने हस्बैंड को बोल के जाती है. तो वो किस तरह से मैनेज, आप अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या अजय मैनेज कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे के रखी है उनको कि अभी तो मैनेज कर ही सकेंगे. लेकिन ऑल जोक्स असाइड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनको जो बहुत ही वॉन्ट्स टू बी देर एंड ही वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ हिज किड्स एंड ही लव्स देम. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये इस फिल्म से अब आप बच्चों से थोड़ा और क्लोजली जुड़ गई हैं क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है इनक्रेडिबल्स का पहला और अब तो दूसरा आ रहा है. लेकिन आपने ऐसे भी जो बच्चों से रिलेटेड कुछ मूवीज़ की, हमने जैसे फना में आपके कुछ इस तरह के गाने थे या फिर राजू चाचा, तो इस तरह की जो फिल्में करते हैं इस तरह के किरदार में आप ढलती हैं तो कितना अलग होता है? इतना अलग नहीं होता है. जो भी किरदार आप निभाओ वो आपके जहन में कहीं ना कहीं तो होता है, एक टुकड़ा उसका होता ही है आपके अंदर जिसको आप निकाल के उसके बाद यू नो पूरी तरह से बनाते हैं, फ्लैश आउट करते हैं. तो आई थिंक जो भी किरदार आप निभाओ कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा तो ज़रूर होगा. इलास्टिक गर्ल के लिए वॉइस ओवर है, डबिंग आपने की है तो हिंदी में, तो हम चाहेंगे कि एक दो अगर उस स्टाइल में अगर आप दर्शकों को बोल के बताइए क्योंकि वो हमने इंग्लिश में डायलॉग सुने थे, हिंदी में किस तरह का होने वाला है? हिंदी में वही होगा कि यू नो अगर तुम नहीं होते यहाँ पे तो मुझे पता नहीं मैं कैसे ये कर पाती कि नहीं कर पाती. तो वो कुछ ऐसे ही डायलॉग्स होंगे जो भी आपने ट्रेलर में देखा है बेसिकली है. और बाय स्वीटी. कितना डिफ़िकल्ट था या कितना इजी था इस तरह की आवाज़ निकालना जब इलास्टिक गर्ल का? इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि ज़्यादातर जो बोलना है टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए लेकिन आवाज़ तो मेरी ही होगी, किसी और की तो नहीं होगी. तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था. इसमें जो पूरी फैमिली है उसको सुपर पावर मिले हुए, जो इनक्रेडिबल्स जो मूवी है उसकी कहानी में, अगर आपको इस तरह की सुपर पावर मिले तो आप क्या क्या करना चाहेंगे एक दिन के लिए अगर आपको मिले तो? सिर्फ एक दिन के लिए? okay, हमेशा बहुत सही है क्योंकि ये पॉसिबल. सुपर पावर हो तो मतलब जिंदगी भर के लिए हो ना, या तो क्या फायदा क्या हुआ सुपर पावर का. एक दिन के लिए तो मैं एक दिन के लिए तो मैं कहीं पे जाके हॉलीडे करती और फिर देन आई वुड हैव ट्राइड टू थ्रो बिल्डिंग्स अराउंड समथिंग लाइक दैट. बट नो आई थिंक अगर एक दिन के लिए जैसे अगर मुझे इलास्टिक गर्ल की पावर मिल जाए तो आई थिंक आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड टू डू समथिंग यू नो और ट्राइड टू बी अ सुपर हीरो फॉर श्योर. कपड़े शायद अलग होते लेकिन थॉट प्रोसेस वही होता. कपड़े बहुत ही टिपिकल हैं, वही उसी तरह के जो की तरह हैं, वो पता नहीं बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहे मुझे. कुछ ऐसा आप कुछ साड़ी पहन के आप आसमान में उड़ पहन के तो नहीं होने वाला. बट आई थिंक मे बी आई वुड वांट अ पेयर ऑफ जीन्स कैड्स एंड या ट्रैक सूट. नॉर्मल कपड़े पहन. हाँ बिल्कुल. तो
वैसे आवाज़ें निकालना भी या कुछ मिमिक्री करना एक ऑब्वियसली कला होती है और हर किरदार में होता है. और आपको हमने देखा है कि आपकी फिल्मों में कई बार आप बच्चों की तरह जैसे कुछ कुछ होता है कि भी कुछ डायलॉग्स हैं इस तरह के. अगर हम आपसे पूछें कि आपके कोई फेवरेट एक्टर जिनकी आवाज़ निकालना आपको बहुत पसंद है. मैं नहीं निकाल सकती किसी की आवाज़, मैं नहीं निकाल सकती. मेरी आवाज़ ही काफ़ी है. काफ़ी बुलंद है मेरी आवाज़. इलास्टिक गर्ल के अलावा हम जानना चाहते हैं और क्या कुछ आप फैंस को बताना चाहेंगे अगला प्रोजेक्ट और उसके बारे में. अगली पिक्चर मेरी ईला रिलीज होने वाली है 14th of September को, और उसके प्रमोशंस जब शुरू होंगे तब बात करेंगे आगे. ये तो हुई फिल्म की बात, और एक हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे. हम उस पर आपका एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे. कौन सा वीडियो है? आपके दोस्त और एक्टर गोविंदा का एक डांस आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे. काफी वायरल हुआ है. ओके, यू हैवंट सीन इट? नो, आई हैवंट. ओके, अब इसको देख के हम चाहेंगे कि ओह, दिस इज दैट. I think it's gutsy. I think it's very brave. just see it for 10 more seconds, okay? Okay. तो ये काफी वायरल है. भगवान ने कह दिया है कि घंटी बज गई है, अभी बंद कर दो. थैंक यू सो मच.